हेलो एवरीबॉडी, आज मैं क्लास 10th का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का प्रॉब्लम कराने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले मैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट और सेकंड बता चुका हूँ। आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड बताने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 कर यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 867 एंड 225। देखिए फर्स्ट का थर्ड नंबर है, एचसीएफ फाइंड करना है 867 एंड 225 का। तो क्या मैंने बताया था, सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो 225 से डिवाइड कर दिया जाए 867 को। देखिए 3 टाइम्स आएगा, 5 3 जा 15 का 5, 1 का रीच 5 3 जा 15 और 1 16 का 6, 1 का रीच 4, 3 2 जा 6 और 1 7, 7 माइनस 5 2 हो गया और ये हो गया 6 माइनस 6 0 और ये बन गया 8 माइनस 7 1। फिर जो इस ये जो रिमाइंडर आया उससे इसको डिवाइड कर दिया जाता है, अगले बार इससे इसको डिवाइड कर दिया जाए 255 को। तो डिवाइड कर दिया जाता दिस इक्वल टू हो गया 2 टाइम्स चला गया 2 टू या 402 ये हो गया 1 ये हो गया 5 ये हो गया कैंसिल। अब इस रिमाइंडर से फिर इसको डिवाइड कर दिया जाए 102 2 टाइम्स हो गया 2 1 2 5 2 जा 10 रिमाइंडर 5 2 जा 10 रिमाइंडर हो गया 0। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो एंड हो जाएगा। अब इसको यूक्लिड में कैसे हम लोग कन्वर्ट करके लिखते हैं देखिए, क्या बताते हैं, सबसे पहले इसके और इसमें इक्वली डिवीजन अप्लाई कर दिया जाए, फिर इसके और इसमें, फिर इससे और इस और इसके बीच। तो पहला स्टेप ये साइड में डिवाइड करके लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ से अभी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ये आपका रफ का पार्ट हो जाएगा, साइड में यहाँ पर भी शो कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप होगा अप्लाई, अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 867 एंड 255। क्या बताया था, दिस इक्वल टू दिस इनटू दिस प्लस दिस होता है। तो 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। फिर इसमें और इसमें अप्लाई कर दिया जाए, अप्लाई अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 225 एंड 102, सॉरी 255 एंड 102। तो दिस इक्वल टू दिस इनटू दिस प्लस दिस, तो 255 इज इक्वल टू 102 इनटू 2 प्लस 51। अगले बार इसके और इसके बीच में अप्लाई कर दिया जाए, अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 102 एंड 51। तो दिस इज अप्लाइज 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। रिमाइंडर जीरो, जिस केस में रिमाइंडर जीरो होता है उस केस का जो डिवाइजर होता है
वही क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51। दिस इज द आंसर। जो लास्ट वाला डिवाइजर होता है, मतलब जिस केस में रिमाइंडर जीरो आता है, उस केस का जो डिवाइजर होता है वही क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तीन स्टेप होता है, ये स्टेप को राइट डाउन करने के लिए साइड में ये कर लेने से ये राइट डाउन करना इजी होता है। तो रहने दिया जाए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।